रेसिपी के लिए आपका स्वागत है। आज हम बनाना जा रहे हैं एक पाव भाजी का भाजी बनाना जा रहे हैं। एक पाव भाजी के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए हम नोट करेंगे। एक प्याज ले लिया मैंने, एक तीन प्याज बड़ा प्याज ले लिया, और टमाटर एक पांच टमाटर ले लिया मैंने, और इसका हरे धनिया, एक गरम मसाला है, रेड चिल्ली पाउडर और हल्दी, ये धनिया, नमक और ब्लैक पेपर, ये मक्खन ले लिया है, और मैं प्लेट सजाने के लिए नींबू और प्याज, ये पाव ले लिया मैंने। मैंने आज पाव नहीं बना रही हूँ, खाली भाजी बनाती हूँ। इसके लिए ये मैंने वेजिटेबल, बिना वेजिटेबल से मैं मटर में बना रही हूँ। ये मटर भिगो के रख दिया है, भिगो के एक दो घंटे भिगो के, और चार विजल सीटी बजना है, अच्छा सा ये उबाल के रख लिया है। ये अभी हम इसे तैयार करेंगे। अब शुरू करते हैं इसे भाजी बनाने के लिए। पहले गैस चलाएंगे, अब मैं इसे बड़ा पैन करती हूँ। पैन गरम होना है, इसमें हम बटर डालेंगे। अभी मैंने दो चम्मच बटर डाल दिया है। ये बटर गरम हो रहा है, इसमें हम प्याज डालेंगे। दो चम्मच मटर डाल दिया है, इसमें प्याज डाला है, अच्छे से थोड़ा फ्राई करेंगे हम। थोड़ा हल्का सा ब्राउन होना है, यह हम भाजी बटर से ही बनाना है। तेल से अलग टेस्ट होता है, ये बटर से ही अलग टेस्ट देता है। थोड़ा सा कलर चेंज हो रहा है, और थोड़ा कलर आना इसे, एक थोड़ा कलर आया है। इसमें हम टमाटर भी डालेंगे, यानी पेस्ट टमाटर ले लिया, बारीक काट के पांच टमाटर ले लिया है मैंने। ये भी थोड़ा सॉफ्ट होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। इसमें हम हल्दी डालेंगे, इसमें रेड चिल्ली पाउडर भी डालेंगे, जितना तीखा चाहिए उतना हम तीखा डालेंगे। इसमें ये ब्लैक पेपर ले लिया है, ये भी डालेंगे, और एक गरम मसाला है, गरम मसाला भी इसमें डालेंगे।
ये धनिया पाउडर है, सूखा धनिया पाउडर, ये भी डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें ये स्मैश है, इसमें स्मैश करेंगे हम। स्मैश है, स्मैश करेंगे। अब देखा होगा भाजी के लिए स्मैश में ही बनाते हैं। अच्छे से स्मैश करना है इसे। मसाला पाउडर पूरा डाल दिया है हम, इसे अच्छे से स्मैश करेंगे इसे। ये मसाले का स्मेल जाने तक हम इसे फ्राई करेंगे। इसे इसमें हम साल्ट भी डालेंगे। स्वाद अनुसार साल्ट डाल दिए। मैंने कश्मीरी चिल्ली पाउडर डाला है, इसे कलर अच्छा आता है। और ये मटर इसमें डालेंगे हम। ये बिना वेजिटेबल से ये बहुत आसानी से हो जाता है। वेजिटेबल काटने से थोड़ा टाइम लगता है और वो भी उबालना है, इसलिए मैंने ये मटर भी डाल दिया है। इसमें बहुत ही टेस्टी होता है। इसमें थोड़ा पानी डालेंगे। फिर हम स्मैश करते रहेंगे। इतना स्मैश करते हैं, इतना अच्छा टेस्टी बनता है, अच्छा पेस्ट हो जाता है। हम पूरा मसाला मिक्स कर लेंगे। और भी थोड़ा पानी डालेंगे इसमें हम। एक ग्लास पानी डाल दिया मैंने। इसमें हम थोड़ा हरी धनिया भी डालेंगे।
स्मैश करने से हरी पत्ती से भी अच्छा सा खुशबू इसमें मिक्स होता है। गैस कम रखेंगे थोड़ा, इसे स्मैश करते करते इसे अच्छा उबाल आना है। पूरा मसाला अच्छा सा मिक्स करके अच्छे सा पूरा उबाल आना है। इसमें हम अच्छे से स्मैश कर लिया है। इतना हम स्मैश करते हैं इतना अच्छा ग्रेवी बनता है इसे भाजी। इसमें थोड़ा उबालने रखेंगे अभी हम इसे भाजी से। फिर एक बार स्मैश करेंगे हम। कम गैस में ही रखना है नहीं तो भाजी ऊपर से भी गिरता है तो गर्म होता है इसे। एक मिनट छोड़ेंगे हम, तब तक पाव तैयार करेंगे हम इसे। तक हम पाव भी तैयार करेंगे हम इसे काट के। मेरा गैस चलाएंगे इसे हम थोड़ा बटर डाल रही हूँ। इसमें इसमें डालेंगे बटर में। इसमें ऊपर से थोड़ा बटर डालेंगे। अच्छा गरम कर लेंगे हम।
आओ थोड़ा क्रिस्पी आने के बाद इसे जैसे गर्म कर लेंगे। गैस बंद करेंगे इसे, पाव निकालेंगे। इसमें ये भी गैस बंद कर देंगे, भाजी का भी। इसे सर्व करेंगे हम। लेमन रखेंगे, थोड़ा प्याज डालेंगे साइड में, थोड़ा हरी धनिया भी डालेंगे इसके ऊपर, और थोड़ा बटर भी डालेंगे हम। भाजी तैयार हो गया है, इसे हम थोड़ा बटर डालेंगे। अरे भाजी तैयार हो गया है, मैंने प्लेट में भी लगा दिया है। और ये मेरा रेसिपी वॉच करने से मेरी तरफ से आपके लिए धन्यवाद।